दादरा नगर हवेली ना सांसद नो मृतदेह मळी आव्यो छे। मुंबई नी होटल सी ग्रीन माथी मृतदेह मळी आव्यो छे। मोहन डेलकर ना मौत ने लई रहस्य घेरायु छे। दादरा नगर हवेली थी अपक्ष तरीके चूंटाया छे। सतत 7 वखत सांसद तरीके तेओ चूंटाया छे अने तेमनो मृतदेह मळी आव्यो छे। शंकास्पद हालत मां तेमनो मृतदेह मळी आव्यो छे। हवे जेने लईने तपास पण थशे के आखरे आ आपघात छे के पछी तेमने कोई बीमारी हती जेना कारणे तेमनो आ मौत थयु छे। शंकास्पद हालत में मृतदेह मळी आव्यो छे। मुंबईनी होटलमांथी मृतदेह मळी आव्यो छे। आ अंगे तपास थशे त्यार बाद असली कारण बहार आवशे। दादरा नगर हवेली थी अपक्ष तरीके तेओ चूंटाया छे तो सतत 7 वखत तेओ चूंटाई आव्या छे। मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अमित, इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। जी अमित बताएं क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। देखिए मरीन ड्राइव के होटल सी ग्रीन में इनका शव मिला है और एक सुसाइड नोट भी मिला है लेकिन वो गुजराती में लिखा हुआ है। पुलिस जो है वहां पर पहुंच चुकी है घटनास्थल पर और उनकी डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है ले जाया गया है। शुरुआती जांच में ये सुसाइड का मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जो है वो जारी है लेकिन जो हमारे पास खबरें आई कि एक सुसाइड नोट मिला हुआ है गुजराती में लिखा हुआ। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जो है कुछ भी जो है पुलिस कहना नहीं चाहती है। 7 बार से ये सांसद रहे हैं 1989 से 2019 तक। 1989 में कांग्रेस से, 91 में कांग्रेस से, 96 में कांग्रेस से, 98 में बीजेपी से, 99 में निर्दलीय, 2004 में बीजेपी और अभी 2019 में निर्दलीय तौर पे ये सांसद जो वहां के थे। अब किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई, क्या कुछ खुलासा आगे पुलिस करती है वो देखने वाली बात होगी लेकिन फिलहाल इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के ले जाया गया है। एक नोट मिला है जो गुजराती भाषा में है। जी जी, उनके साथ और कोई रुका हुआ था वहां पर? वो कब इस होटल में आए थे, चेक इन कब किया था और कब वहां से निकलने वाले थे, इस बारे में कुछ जानकारी होटल से कुछ मिल पाई है? देखिए होटल के अंदर किसी भी पत्रकार को जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ दूरी पे पत्रकारों को रोक दिया गया है। मुंबई पुलिस की टीम वहां पहुंची हुई है और जो हमारे पास खबर आ रही है कि जॉइंट कमिश्नर और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नागरे पाटिल वो अभी कुछ ही देर में जो है स्पॉट पे जो है पहुंचने वाले हैं। तो अभी तक होटल के अंदर से ना कोई बाहर आके मीडिया को जानकारी दे रहा है ना ही मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है। सिर्फ इतनी ही जानकारी सोर्सेज से मिली है, गुजराती में एक नोट मिला हुआ है और डेड बॉडी निकालते हुए हमारे पास विजुअल आए हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए जो है ले जाया गया है। जी पीएम कहां पर किया जा रहा है, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए शायद कूपर अस्पताल में जो है इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा लेकिन अभी जो है कुछ ही मिनट पहले जो है डेड बॉडी को निकाला गया है। अधिक जानकारी जो है कुछ ही देर में निकलकर सामने आएगी। जी जी, पुलिस इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी यानी मीडिया को कुछ दे सकती है, इस बारे में पुलिस की ओर से कुछ जानकारी दी गई है कि इतने बजे मीडिया को वो कुछ जानकारी देंगे इस बारे में? देखिए पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है, कुछ ही देर पहले का मामला है। जैसे ही कंट्रोल रूम को फोन जाता है वहां से पुलिस जो है निकलती है, होटल पे पहुंचती है, अंदर जाती है कमरे में, कमरे में क्या कुछ मिला क्या कुछ देखा पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आ रही, वो भी हमारे सूत्रों हवाले जानकारी मिली है। इससे ज्यादा कुछ और विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी कुछ ही देर में जो ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नागरे पाटिल पहुंचेंगे तो शायद वो मीडिया को कुछ जानकारी दें। जी जी, कुछ शक के दायरे में आ रहा है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसको देखते हुए? देखिए अब ये सुसाइड है कि क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये तो अभी स्पष्ट जो है जांच के बाद ही हो पाएगा लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारियां मैंने आपको दी सिर्फ इतनी ही जानकारी निकल कर सामने आई है। जी जी अमित, अमूमन जिस तरह से इस तरह के केसेस जब भी होते हैं, किसी की मौत हो जाती है, अगर इनकी हेल्थ की वजह से अगर उनकी मौत होती है तो पुलिस पहले ही बता देती है, इस केस में ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए कुछ ही समय पहले का मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, सांसद की लाश मिली है तो पुलिस बहुत कुछ डिस्क्लोज करना नहीं चाहेगी। हालांकि जो होटल के स्टाफ हैं, होटल के जो मैनेजर हैं, जो उस समय मौजूद थे, जिन्होंने कमरा बुक किया था, उन सारे लोगों की जानकारी जो है पुलिस अंदर निकाल रही है और होटल के मैनेजर समेत जो स्टाफ वहां मौजूद थे, पुलिस की एक टीम जो है अंदर उनसे पूछताछ भी कर रही है। अब ये पता चल पाएगा आखिरकार ये कब से रुके थे, कहाँ से आए थे, कितने लोग इनके साथ रुके थे और किन किन से होटल में इनकी मुलाकात हुई है या मीटिंग्स हुई है, ये किस काम के लिए आए थे। तो ये सारी जानकारी अभी पुलिस भी इकट्ठा कर दी है। जब पुलिस के पास सारी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी तो शायद उसके आगे जो है पुलिस मीडिया को जानकारी साझा करे।
जी जाहिर सी बात है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन अमित आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि इनकी डेथ होटल में हुई है, उनका शव होटल से बरामद किया गया है, तो होटल की भी सुरक्षा बढ़ाई गई होगी या वहां पे चेकिंग भी की जा रही होगी आसपास के, यानी उनका जो रूम था उसके आसपास भी जो लोग रह रहे होंगे अभी, जिन लोगों ने चेकिंग किया होगा उनकी भी पूछताछ की जाएगी? देखिए निश्चित तौर पे मैंने आपको अभी कहा कि होटल के स्टाफ समेत जितने भी लोग वहां मौजूद थे, हाई प्रोफाइल मामला है, एक सांसद की लाश मिली है, तो होटल के मैनेजर से लेके जितने लोग उनके कमरे में गए होंगे जब से रुके थे, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, या जो कपड़े देने अंदर जाते हैं, या फिर जो बिस्तर चेंज करने के लिए अंदर जाते हैं, ये उन सारे लोगों से और आस पास के साथ के जो कमरे हैं उनसे भी लोगों से पूछताछ इस समय शुरू है। अधिकारियों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातों का साफ तौर पर कहना है कि सही स्थिति जो है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कमरे के आसपास जो लोग रहते हैं तो उनसे लेकर होटल के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो साझा नहीं हो पा रही है। अधिकारियों का ये कहना ऑफ द रिकॉर्ड कि जब तक पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी तो हम मीडिया को कैसे ब्रीफ कर पाएंगे, तो अभी अंदर पूछताछ का सिलसिला चालू है। एक टीम अंदर पूछताछ कर रही है, दूसरी टीम जो है डेड बॉडी को लेकर निकली है पोस्टमार्टम के लिए, और तीसरी जो है खबर है कि ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जी इस बारे में कुछ अमित, क्योंकि जिस तरह से अभी भी आप हालांकि बता रहे हैं कि अभी तो शुरुआती जानकारी आई है, लेकिन ये बात किसको पहले पता चली? क्या कोई वेटर वहां पर गया था या फिर होटल का कोई स्टाफ गया था जिसके जरिए ये बात बाहर आई कि उनकी डेथ हो चुकी है? देखिए होटल के स्टाफ ने ही जो है जानकारी दी है, जैसा कि अब हमारे पास प्राथमिक रूप से जो है समझ में आ रही है बात, लेकिन अभी भी जो है खुदकुशी की वजह जो है वो साफ नहीं हो पा रही आखिरकार इन्होंने जो है आत्महत्या क्यों की, क्योंकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, आगे की जांच जो है जारी है, तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन होटल के स्टाफ ने ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस को जानकारी दी थी, जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड हमें अधिकारियों ने बताया। जी जी, और अब पुलिस के आला अधिकारी जो भी है कौन कौन वहां पे पहुंच रहा है, जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल मामला है, और जांच किस पहलुओं पर की जाएगी? देखिए सुसाइड नोट जो है मिला है गुजराती में, जो जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी, स्थानीय जो पुलिस है स्थानीय डीसीपी वहां पहुंच चुके हैं, जो ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला जिसके मद्देनजर जो वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे हैं, और एक टीम जैसा मैंने आपको बताया पूछताछ कर रही है, दूसरी टीम जो है पोस्टमार्टम के लिए लेके निकली हुई है, ज्वाइंट सीपी जो है पहुंचेंगे तो डीसीपी उनको ब्रीफ करेंगे, क्योंकि डीसीपी जिस समय स्पॉट पे मौजूद है वहां पे जोन वन के डीसीपी, क्योंकि ये इलाका जो है जोन वन के अंतर्गत आता है मरीन ड्राइव का, तो वहां पे मौजूद है, तो अब वो क्या ब्रीफिंग करते हैं और नागरिक पाटिल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है मामला और क्या जानकारी निकल सामने आई, आप वो कितना ब्रीफ करते हो, क्या जानकारी निकल कर सामने आती है, जी, वो जी, अमित आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएम मोदी ने सीधा जब अपने सामने ये बंगाल मास सभा संबोधित रहा था। जितने देश गरीबी से बाहर आए या गरीबी मिटाने में सफल हुए या विकसित देश बने, ऐसे सभी देशों में एक बात बहुत कॉमन देखी जाती है, इन देशों ने अपने अपने देश में सही समय पर बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरवे, इन देशों के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन देशों को आधुनिक बनाने में मदद की, वहां ये एक प्रकार से परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बना। हमारे देश में भी यही काम दशकों पहले होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब हमें देर नहीं करनी है, हमें एक पल भी रुकना नहीं है, हमें एक पल भी गंवाना नहीं है। इसी सोच के साथ आज देश में
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व जोर दिया जा रहा है, अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खेती, उद्योग, टूरिज्म, युवाओं को रोजगार, यानी विकास के हर पहलू के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत सरकार की प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है। बीते वर्षों में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और आईवे, हर प्रकार की कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। यहां बंगाल में भी हजारों करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। बंगाल में रेल लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेज गति से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, अब रेलवे को लेकर पश्चिम बंगाल में संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल को होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा चालू भी हो चुका है और बहुत जल्द पूरा कॉरिडोर खुल जाएगा, जिससे बंगाल में भी उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। इसी तरह जो विशेष किसान रेल शुरू की गई है, उसका लाभ आज पश्चिम बंगाल के छोटे किसानों को बहुत तेजी से मिलना शुरू हो रहा है। अभी हाल में ही देश की 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई। इससे यहां के फल, सब्जी, दूध और मछली से जुड़े छोटे किसानों को मुंबई, पुणे सहित देश के अनेक बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है। भाइयों और बहनों, आज उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली जिलों के लाखों छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, श्रमिकों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। नॉर्थ साउथ मेट्रो का नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक विस्तार होने से हर दिन इन जिलों के हजारों यात्रियों को सुविधा होने वाली है। अब आपको कोलकाता आने जाने के लिए आधुनिक और सुविधा संपन्न तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया है। भाइयों और बहनों, चंद्रनगर सहित ये पूरा क्षेत्र भारत की आजादी का, भारत की संस्कृति और भारत के ज्ञान विज्ञान का एक प्रकार से तीर्थ है। महर्षि अरविंदो, मोतीलाल रॉय, रास बिहारी बोस, विपिन बिहारी गांगुली, कन्हैयालाल दत्त, उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, अनगिनत ऐसे महान व्यक्तित्व का नाता इस धरती से है। ये वो धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत हमें दिए। माउंट एवरेस्ट को मापने वाले महान गणितज्ञ
राधानाथ सीगर, महान भाषाविद बुदेव मुखर्जी, ऐसे मनुष्यों का भी नाता इसी मिट्टी से रहा है। मुझे हैरानी है इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है, ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवीरों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन दो शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। अतरफ बात करें तो राज्यसभानी ચૂંટણીનો આ મામલો છે, ભાજપના બે ઉમેદવાર બિનહરીફ જાહેર કરાયા છે, તો દિનેશ અનાવાડિયા બિનહરીફ જાહેર થયા છે, રામભાઈ મોકરિયા બિનહરીફ જાહેર થયા છે, કોંગ્રેસે એક પણ ઉમેદવાર ઉભા ન રાખ્યા, ભાજપના બે ઉમેદવાર બિનહરીફ જાહેર થયા છે, 3 વાગ્યે સમય અવધિ પૂર્ણ થઈ છે। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું, નાનકડા બ્રેક બાદ। स्वागत है, अमदावाद में रिवरफ्रंट खाते क्रिकेट का रास नु आयोजन करवामां आव्यु छे। स्टार स्पोर्ट्स द्वारा रिवरफ्रंट पर क्रिकेट कार्निवल नो शनिवार ना रोज प्रारंभ थयो हतो, तो जेनी मुलाकातीओ सवार 9 थी रात 10 वाग्या सुधी मुलाकात लई शकशे। आ कार्निवल में क्रिकेट रसिको ने आवकारवा प्रवेश द्वार नी कमानो पर लाल गुलाबी अने व्हाइट कलर ना बॉल्स ना कटआउट लगावामां आव्या छे, अने जे विश्वना सौथी मोटा स्टेडियम मोटेरा में रमानारी क्रिकेट मैच फॉर्मेट नो प्रतीक रजू करे छे। तो क्रिकेट कार्निवल में सेल्फी पॉइंट अने खेलाड़ियोंना कटआउट पण मुकवामां आव्या छे, अने जेनो क्रिकेट रसिको लई शकशे लाभो। અમદાવાદમાં યોજાનારી મેચને લઈને સૌ કોઈ તૈયાર છે, ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ખુશખુશાલી જોવા મળી રહી છે। અમદાવાદમાં પહેલી વાર યોજાવા જઈ રહેલી મોટેરા સ્ટેડિયમમાં જે મેચ છે તેને લઈને અમદાવાદના સાબરમતી ખાતે આવેલા રિવરફ્રન્ટમાં ક્રિકેટ કાર્નિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અમદાવાદ તૈયાર છે ક્રિકેટના રાસ માટે, તેની સાથે પિંક બોલનો જે પ્રકારે કટઆઉટ્સ છે તે લગાવવામાં આવ્યા છે, અને તમામ યંગસ્ટર્સ છે તે ટીમ સાથે રૂબરૂ ન થઈ શકે પરંતુ તેમના કટઆઉટ સાથે સેલ્ફી લેતા જોવા મળે છે। કેટલા એક્સાઇટેડ છો મેચને લઈને? વી આર સો એક્સાઇટેડ ફોર ધ મેચ, ફર્સ્ટ ટાઈમ મોટેરા સ્ટેડિયમ મેચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી, વી આર વેરી એક્સાઇટેડ, વી ઓલ હોપ ઇન્ડિયા ગોઈંગ ટુ વિન। ઓકે, એટલે ઇન્ડિયા જીતી જશે એવું યસ યસ બિલકુલ। તો તમામ અમદાવાદીઓમાં જે પ્રકારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, આપ જોઈ રહ્યા છો કે મારી પાછળ પણ તમામ અમદાવાદીઓ છે, તેઓ ખાસ તમામ જે કટઆઉટ્સ લગાવવામાં આવે છે, ચાહે વિરાટ કોહલી હોય, જસપ્રીત બુમરાહ હોય, તમામ હોમ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જ્યારે મેચ રમવાના છે ત્યારે તેને લઈને અક્ષર પટેલ અને તેની સાથે ઘણા બધા લોકોના કટઆઉટ જે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે તેમાં યંગસ્ટર્સ છે અને તમામ લોકો આ પ્રકારે સેલ્ફી લેતા જોવા મળે છે। તમે કેટલા એક્સાઇટેડ છો? ખૂબ જ, અમે તો ટિકિટ પણ લીધી છે મેચની। અચ્છા, આ દિવસે જોવા જશો? ક્યારે લીધી છે? એમાં ફર્સ્ટ ડે રોક, યા ફર્સ્ટ ડે આઈ વોન્ટ ટુ સી। અચ્છા, કેવી રીતે એન્જોય કરશો? યા એક્ચ્યુઅલી માય ફ્રેન્ડ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ભરૂચ, સો વિલ બી ખાસ તૈયારી કરી છે કઈ કોસ્ચ્યુમ ને લઈને તૈયારી? યા આઈ હેવ ટી-શર્ટ ટીમ ઇન્ડિયાની ઓલરેડી છે મારી પાસે, એટલે એ પહેરીને અને
ભારતનો ધ્વજ લગાવીને જઈશું અમે. ક્યાં આવ્યા છો, શું અનુભવો છો? વન્ડરફુલ, સરસ, ઘણું સરસ, ખૂબ સરસ લાગે છે. આ બધા પોસ્ટર જોઈને એક્સાઇટ થઈ ગયા છે એકદમ. એક્સાઇટમેન્ટ છે. વી ડીડ નોટ એક્સપેક્ટેડ ઇસ, અમે તો અહીંયા ખાલી રિવર ફ્રન્ટમાં આવ્યા હતા, બટ આ ઘણું સરસ ડેકોરેશન જોઈને તમામ લોકો ખુશ થઈ ગયા છે. પહેલી વાર જ્યારે મેચ રમાવા જઈ રહી છે અમદાવાદના મોટેરા સ્ટેડિયમ ખાતે, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની મેચ રમાશે, 24 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ હશે. પરંતુ અમદાવાદીઓમાં જે પ્રકારે ખુશખુશાલી જોવા મળી રહ્યું છે, એક્સાઇટમેન્ટ જોવા મળી છે, તે સાબરમતી ખાતે આવેલા ક્રિકેટ કાર્નિવલમાં પણ યથાવત હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કેમેરા પર્સન અમિત શર્મા સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. પ્રધાનમંત્રી મોદીનું આત્મનિર્ભર ભારતનું આહ્વાન દેશની અર્થવ્યવસ્થાના એક મહત્વના વળાંક પર આવ્યું છે. નેટવર્ક 18ની પહેલ અને આઈટીસી દ્વારા પ્રસ્તુત ખાસ રજૂઆત અભિયાન ભારતમાં સ્વાભિમાન ભારતમાં અમે તમારા માટે દેશભરની એવી ગાથા લાવીએ છીએ કે જે આત્મનિર્ભરતાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. નવીનતા અને સિદ્ધિઓની એવી ગાથાઓ કે જે ખરેખર દર્શાવે છે કે આપણે એક રાષ્ટ્ર તરીકે શું ઓળખાણ ધરાવીએ છીએ. તો આજની વાર્તા ભારતની બે સૌથી પ્રિય ફૂડ બ્રાન્ડ અમૂલ અને આઈટીસી આશીર્વાદની છે. में गुजरात के छोटे से शहर आनंद में एक दूध उत्पाद सहकारी समिति के रूप में स्थापित अमूल आज भारत में दूध और दूध के बने उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है. इस ब्रांड के घरेलू स्तर पर शुरुआत हुई जिसे एक किसान ने शुरू किया. आज ये ब्रांड लाखों भारतीयों के दिल और दिमाग पर छाया है और 40 देशों में इसकी मौजूदगी दर्ज है. Who are supplying milk to you by offering them very stable and remunerative price. 2002 में आईटीसी ने पैकेज्ड गेहूं का आटा आशीर्वाद लॉन्च किया था और वर्तमान में भारत के नंबर वन आटा ब्रांड के रूप में जाना जा रहा है, जिस पर देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों का विश्वास है. साथ ही ये किसानों से सीधा गेहूं खरीदकर उन्हें सशक्त बना रहा है. आईटीसी इज द सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ व्हीट इन द कंट्री. And we are able to give the right price for the right quality. We have set up centers where the farmers, we have created mandis where the farmers can come and actually deliver the product straight over there. Amul aur ITC Ashirwad dono hi Bharat ke aatmanirbhar banne ke mission mein apna sahyog de rahe hain aur sahi maayne mein swabhiman Bharat ke prateek hai. તો અમારી ખાસ રજૂઆત સ્વાભિમાન ભારતમાં જુઓ અમૂલ અને આઈટીસી આશીર્વાદની આખી કહાની. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.